नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। कासगंज की कोतवाली ढूलना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। अपने पिता की हत्या करने वाले दो बेटों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों बेटों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनके पिता के किसी महिला से संबंध थे और उनका पिता उस महिला के साथ लगातार रहकर अपनी जमीन बेच रहा था, जिससे उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था, जिसके चलते दोनों बेटों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपने पिता की पीट पीट कर 1 दिसंबर को हत्या कर दी थी और शव कासगंज जिले के कोतवाली ढोलना क्षेत्र की सीमा में फेंक दिया था। आपको बता दें कि पूरी घटना बीते 1 दिसंबर की है, जहां 1 दिसंबर को कासगंज जनपद की कोतवाली ढोलना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और मृतक के शव की शिनाख्त जनपद अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के रहने वाले ज्ञान सिंह के रूप में हुई थी। वहीं पुलिस ज्ञान सिंह की मौत के मामले में जांच कर रही थी और जांच के दौरान सर्विलांस की मदद से पुलिस ने मृतक के दो बेटों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में मृतक के दोनों बेटों ने बताया कि उनके पिता ज्ञान सिंह के एक अन्य महिला से संबंध थे। उनका पिता उसी महिला के साथ जनपद के सोरो कस्बे में रह रहा था और उनके पिता ज्ञान सिंह अपने नाम जमीन प्लॉट बेच रहा था और वह बेटों को कुछ नहीं देना चाह रहा था, जिसके चलते ज्ञान सिंह के दो बेटे नीरज और नरेंद्र ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। देखिए, गत 1 दिसंबर की सुबह में थाना ढोलना पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अज्ञात था, उसका शव थाना ढोलना क्षेत्रांतर्गत प्राप्त हुआ था। जो मौके पर तत्समय हमारे सभी पुलिस अधिकारी, फील्ड यूनिट और थाना प्रभारी पहुंचे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस व्यक्ति की जो है इसके साथ कोई घटना कारित कर दी गई है, क्योंकि इस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अज्ञात शव इसको ट्रीट करते हुए 4 दिसंबर को इसका पोस्टमार्टम कराया गया। तब तक भी पुलिस द्वारा उसके बाद से ही लगातार इसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। इसकी शिनाख्त बाद में उसमें पुलिस को सफलता मिली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत के पूरनपुर नगर के मोहल्ला रजागंज निवासी शाहिद ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में बताया है कि उसका छोटा भाई सोहेल नगर के एक स्कूल में कक्षा 8 का छात्र है। वो विद्यालय में पढ़ने के लिए गया हुआ था, तभी क्लास के दूसरे छात्र आर्यन ने पीछे से सीट पर नुकीला पेन रख दिया, जिससे छात्र घायल हो गया और काफी खून बहने लगा। स्कूल के स्टाफ ने छात्र को अस्पताल भिजवाया था। आरोप है कि दूसरे छात्र आर्यन की मां से इस संबंध में शिकायत की तो अपने बच्चों को नसीहत देने की वजह विद्यालय पहुंचकर उल्टा अभद्रता करने लगे। मामले में घायल छात्र के भाई ने पुलिस से शिकायत की है। शुक्रवार छात्र के साथ हुई घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा छात्र छात्राओं को डिग्रियां वितरण की जानी है। लेकिन दीक्षांत समारोह से पहले एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर विश्वविद्यालय में कार्यरत और सेवानिवृत्त प्रोफेसरों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि विश्वविद्यालय के MSc PhD छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की शोध सलाहकार समिति के अंतर्गत छात्र कार्य करता है, लेकिन दीक्षांत समारोह के ठीक पहले पूरी शोध समिति को ही बदल दिया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है, जो कि नियम विरुद्ध बदलाव किए गए हैं। लेकिन CSS विश्वविद्यालय प्रशासन इस आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नियम विरुद्ध शोध सलाहकार समितियां बदलकर छात्रों को प्रदान की जाने वाली उपलब्धियों की असंवैधानिक बनाकर दिनांक 19 दिसंबर 2023 को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल से अनुमोदित कराकर उनके कर कमलों से प्रदान करने जा रहे हैं, जिसको अगर रोका नहीं गया तो 19 दिसंबर को सभी को प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही वो 19 दिसंबर को ये लोग प्रदर्शन भी करेंगे। से 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त
सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय में 19 दिसंबर को हो रहे दीक्षांत समारोह में दी जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति की उपाधियों में जालसाजी और धोखाधड़ी करने के संबंध में हम लोग सेवानिवृत्त और सेवारत शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर ये उपाधियाँ बिना सही किए दी जाती हैं तो ये छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लैंड लॉक्ड स्टेट कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश मन सरकार ने राप्ती, सरयू, गंगा और यमुना जैसी नदियों में इनलैंड वाटर वे सेवा शुरू करने के लिए इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी का गठन किया है। इससे क्रूज सेवा को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। सीएम योगी शुक्रवार को पर्यटन के नायाब केंद्र के रूप में उभरे सुरमय रामगढ़ ताल में क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन करने के बाद यहां ताल की जेट्टी पर उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और 20 लेन बनाया जा रहा है। यूपी में रेल और एयर कनेक्टिविटी भी शानदार है। सीएम ने कहा कि इसके बावजूद यूपी को लैंडलॉक स्टेट कहा जाता है, पर पीएम मोदी ने इसका भी रास्ता निकाल दिया है। उनके मार्गदर्शन में वाराणसी से हल्दिया तक गंगा नदी में इनलैंड वाटर वे बनाकर क्रूज चलाया जा रहा है। क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए यूपी में इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। रायबरेली जिला प्रशासन की लापरवाही से खुलेआम जिले में चाइनीज मांझा बिक रहा है। अवैध रूप से बिक रहा चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। जिलाधिकारी के कड़े निर्देश के बाद भी अधिकारियों की कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। आपको बताते चले कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रभु टाउन मोहल्ले का है, जहाँ एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बाइक से प्रभु टाउन से निकल रहे, स्कूटी से थे, और जो पतंग उड़ाने वाला मांझा होता है वही यहाँ पे लगा और काफी ब्लीडिंग हो गई। फिलहाल अब तो इलाज चल रहा है। क्या नाम है इनका? रोहित विश्वकर्मा। थाना कौन सा है? कोतवाली। असल वजहों की होगी तलाश, जहन में उठे हर सवाल पर होगी बात, हर वो सवाल जो है आपके लिए अहम, बताना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए हर वो खबर जो बनती है आपकी पावर। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ वॉल इंडिया ऐप और बने समाज की आवाज। न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमने न्यूज वॉल इंडिया ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है। हम घर घर तक, गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं, हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें, तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद, तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज वॉल इंडिया ऐप, यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए न्यूज वॉल इंडिया ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोंडा जिले में परस्पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर गांव में रहने वाले पिता पुत्र की अपने खेत में सिंचाई करते समय बिजली विभाग के 11,000 की
विद्युत लाइन के खंभे में करंट उतरने के चलते दोनों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पिता पुत्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। बताते चले कि जिले में परसपुर थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव में 25 वर्षीय विपिन सिंह और 48 वर्षीय रघुवेंद्र सिंह के घर से कुछ दूरी पर अपने खेत पर पंपिंग सेट से गेहूं की सिंचाई कर रहे थे। खेत के बगल में लगे विद्युत विभाग के 11 लाइन की पोल में हाथ रखते ही पहले बेटे को करंट ने अपने चपेट में लिया, जिसे देख पिता बचाने के लिए दौड़े तो पिता को भी करंट लगने से दोनों के मौके पर ही मौत हो गई। जब इसकी सूचना परिजनों को लगी तो गांव में मातम का माहौल हो गया। पुलिस ने पिता पुत्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्रधानी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से घटना हुई है। इसमें विभाग में लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिले। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। इस कड़ी में यूपी की गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और बहेड़ी विधानसभा से विधायक आतुर रहमान दो दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। सपा कार्यालय पहुंचने पर उनका जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक कर सपा ग्राउंड लेवल पर मजबूत बनाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। वहीं पूर्व मंत्री अताउर रहमान मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग परेशान हैं। मैं लखनऊ से चला, रास्ते में बहुत देर हो गई, मैं देर से पहुंचे, रास्ते में जगह जगह बहुत से जानवर खड़े मिले, ऐसी हालत में छुट्टा जानवर से सब परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। किसानों को वैसे ही उसको MSP नहीं मिल पा रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसके साथ साथ जो फसल बच रही है उसको जानवर खा रहा है, इसलिए सभी लोग इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर हालत में समाजवादी पार्टी भाजपा को हराएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये की तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। मुझे इतना भरोसा है, अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी बहुत मेहनत से खड़ी हुई है। वहीं सांसद सिक्योरिटी चूक के सवाल पर कहा कि ये सिक्योरिटी की बड़ी चूक है और आपको पता है कि एजेंसी किसके अंडर में आती है। वहीं उन्होंने सांसदों के सदन से निलंबन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो लोग ये इस कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं EVM पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि EVM से घपला ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग कर रहे हैं, अन्य लोग भी मांग कर रहे हैं। अब जो माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और खास तौर से PDA ही नहीं NDA को हराएंगे। पिछले दलित अल्पसंख्यकों का समीकरण है, इस पर हम NDA को हराने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग परेशान हैं, मैं लखनऊ से चला तो रास्ते में मुझे बहुत देर हो गई, मैं यहाँ देर से पहुंचा और देर से पहुंचने का कारण ये था कि जगह जगह रोड पे जानवर थे, सांड खड़े हुए थे। तो ऐसी हालत है कि किसान परेशान, नौजवान परेशान, सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो किसान एक तो वैसे ही पीड़ित है बेचारा, उसे MSP नहीं मिल रही है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, गन्ने का पेमेंट भी कैसे मिल रहा है आप लोगों को पता है, इसके साथ साथ जो फसल बच रही है वो जानवर खा जा रहे हैं। कोतवाली मऊरानीपुर नगर में दुकान बंद कर घर जा रही दंपति को रोककर महिला का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लेने और गाली गलौज, साथ ही पति के साथ मारपीट करने की शिकायत कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर की गई है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला बैजपाई निवासी एक महिला ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मैं अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जा रही थी, तभी रास्ते में मोटरसाइकिल को रोका और मेरा हाथ बुरी नीयत से पकड़ लिया,
जब मैंने इसका विरोध किया तो उक्त युवक मेरे पति और मुझसे गाली गलौज करने लगा तथा मेरे साथ मारपीट करने लगा। मेरे पति ने मुझे बचाया तो मेरे पति के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में बीते 2 सितंबर 2023 को जय बद्री केदार ज्वेलर्स की दुकान में कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा दिए गए निर्देशों पर टीम गठित की गई। वहीं पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के प्रवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग के स्तर से गठित टीम द्वारा निरंतर खोजबीन जारी रही। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों अभियुक्तों को आज सुबह कलियर हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों में साजिद जिला गाजियाबाद यूपी एवं रुखसाना पत्नी जाहिद निवासी विजयनगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। इनके कब्जे से चोरी किए गए माल की 100% बरामदी की गई है और इनके द्वारा रुद्रप्रयाग में चोरी की घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर को बरामद कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया है। जनपद पुलिस के तरफ से गिरफ्तारी किए गए इन अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये मुख्य बाजार में जय बद्री केदार ज्वेलर्स की दुकान में कुछ कीमती सामान चुरा लेने का एक हमारे पास शिकायत आई थी और जो शिकायतकर्ता थे पारस वर्मा जी, जिनकी ये दुकान के मालिक हैं। इन्होंने 3 तारीख को एक तहरीर दी थी जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग हमारे दुकान में आए थे और सामान चोरी करके, हमारे जो कीमती सामान थे वो चोरी करके ले गए हैं। इसमें कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें जो हमने जो तफ्तीश की है और जो हमारे CCTV फुटेज के आधार पर जहाँ जहाँ हमें ये उसके क्ल्यू मिलते गए, हम अपराधियों के पीछे जहाँ जहाँ हमें इनके फुटेज मिले उसके आधार पे हमारे विवेचक द्वारा या हमारी जो टीम हमने गठित की थी उसके आधार पे हमने आज जो ये मुख्य अभियुक्त हैं इन दोनों को आज सुबह जनपद हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में हमने इनको गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।